गाइस ये जगह देख के आपको थोड़ी थोड़ी याद आई, थोड़ी थोड़ी याद तो आई होगी। हाँ ये उसी पागल बुढ़िया का घर है। हाँ ये है ग्रैनी का घर, अब आप देख लेना। और मुझे आज इसके घर से एस्केप करना है, तो मैं एस्केप करने के लिए पूरा तैयार हूँ। और आज हमें इसे माइनक्राफ्ट में इसके घर से एस्केप करना है। चाहूँ तो मैं लकड़ी तोड़ के एक एक करके जा सकता हूँ, लेकिन नहीं, मुझे कुछ अलग ही तरीके से, सबका अलग ही है, मुझे एक TNT से इसका मेन डोर तोड़ कर निकलना है। और हमें पता नहीं TNT मिलेगा कहाँ, तो इसलिए हम लोगों को TNT ढूंढना है इस पूरे ग्रैनी की हवेली में। और उसके लिए हमें ग्रैनी से बहुत ही ज़्यादा बच के रहना होगा। ग्रैनी आ गई, पागल बुढ़िया, पीले पीले दांत हैं इसके बिल्कुल, हाथ में झाड़ू जिसे कपड़े धोते हैं वो लेके आइए पागल बुढ़िया। और TNT से घर फोड़ूंगा। और हमें एक और चीज़ वो मैं नहीं जानता कि रेडस्टोन होगा, रेडस्टोन टॉर्च या फिर लावा आया तो और अच्छी बात है, फ्लिंट स्टील तब भी बहुत अच्छी बात है। बुढ़िया एक घर में आग लगा दूंगा और उससे ये फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि ये घर तो इसने लिया नहीं होगा, इसने लोन पर लिया होगा। पिछवाड़े पर तबाह बन जाएगा इस बुढ़िया के, जब पिछवाड़े पर डंडे पड़ेंगे तभी इसको सब समझ में आएगा। मैं यहाँ पर आ चुका हूँ बच बचा के, कैसे जैसे आ गई थी मेरे गेट के आगे खड़ूस बुढ़िया पागल। अभी इसको बताऊंगा थोड़ी देर और बस, तभी इस बुढ़िया को बताऊंगा ये सिक्योरिटी रूम है जहाँ वो पागल बुड्ढा बैठ के गुटखा खाता रहता था। ये कैमरे और ये है लाल कॉन्क्रीट, फटाफट से इसका यूज़ कर लेता हूँ। छत पर चला जाता हूँ अभी, फटाफट से ऊपर आ जाता हूँ। मैं ऊपर आ गया हूँ, यहाँ से हेलीकॉप्टर एस्केप भी कर सकते हैं। यहाँ पर टारगेट है आगे, अब इस टारगेट का भी हम आगे काम देखेंगे, इस टारगेट का काम भी क्या होने वाला है। कुछ या तो ये डोर खुलेगा या फिर ऐसा ना हो कि हमारे ये OA के ब्लॉक ही हट जाए हमारे नीचे से। इसमें ग्रैनी भी ऐसा ना है, इसके इसमें सिर्फ ग्रैनी है, ग्रैंडपा नहीं है। मैं इस यहाँ पर आ जाऊँगा, बुढ़िया कहीं वो कपड़े धोने वाले से मेरा स्वागत कर दे यहाँ पर ही। यार मेरे पास एक लीवर है, मैं कन्फ्यूज़ हूँ कौन सा गेट खोलूँ इससे। अब वो तो अभी बाद में देखा जाएगा, थोड़ा बाद में लीवर वो वाला खोल लेता हूँ, उससे ये फ़ायदा हमें दो ऑप्शन और आ जाएंगे, एक अंदर वहाँ से खोल लेंगे तो ग्रैनी पीछे पड़ेगी, हम यहाँ पर आके बस भी सकते हैं। ये देखिए अभी, ये देखिए एक टॉर्च बिल्कुल आराम से मस्त गद्दा वद्दा और लगाते थे इससे हम आराम से लेट जाते। और यहाँ पर ये देखिए बुक शेल्फ, यहाँ पर ये खोल दिया वो इम्पोर्टेंट है, चेस्ट खाली 90%। ये भी ओ भाई TNT मिल गया, वेल डन TNT मिल गया ऊपर। अभी अंदर और बाहर जाके देख लेता हूँ कि अगर मुझे फ्लिंट मिला तो इस बुढ़िया ही के घर में आग लगा दूंगा। फिर वैसे भी लोन में लिया है, पिछवाड़े पर पुलिस वाले डंडे मारेंगे तभी इसकी ये समझ में आएगी कैसे घरों में रात को डाका डाल के चोरी से ये घर बनाया है। अभी जब अब मुझे TNT तो मिल चुका है, बस ऐसे रेड स्टोन या फिर लावा या फिर फ्लिंट, तीनों में से एक ना एक चीज़ तो मिलेगी जिससे मैं ये चीज़ फाड़ूंगा, ये इसका ये गेट तोड़ूंगा मेन वाला, फिर ठीक है इसके घर से निकल जाऊंगा, फिर मज़ा आएगा, ये बुढ़िया देखती रह जाएगी। क्या मैं इस बुढ़िया को मार नहीं सकता इस गेम में, हाथों से मारूंगा तो मार देगी यार, उसका एक डंडा बहुत खतरनाक है, वो एक बार कपड़े धोते हैं इससे, वही चुरा के ले आई किसी का। ये गेट तोड़ना पड़ेगा मुझे, नहीं तो ऐसे तो मैं निकल ही नहीं सकता, ऐसा ना हो इसके बाहर ही वो बुढ़िया पागल खड़ी हो। नहीं है, देख लेता हूँ पहले, ये तोड़ना पड़ेगा मुझे, नहीं तो हमारा काम भी नहीं हो सकता है। मैं इसके अंदर से कोई ग्लिच व्लिच करके निकल जाऊँ, देखता हूँ। नहीं, कॉन्क्रीट पत्थर नहीं लगा, ओ भाई गलती से लग गया यार, सॉरी यार गलती से लग गया। मैं पूरी 100% कन्फर्म हूँ ये टूटेगा तो नहीं, वह हाथ से टूट जाएगा लेकिन टूटने के बाद कलेक्ट नहीं होगा मुझसे, यही बात है। टूट गया, ये कॉन्क्रीट पत्थर टूटने वाला है, बस थोड़ा सा कलेक्ट तो नहीं होगा, ये 100% कन्फर्म हूँ मैं। देखो कलेक्ट नहीं हुआ कलेक्ट, पक्का पता था मुझे कलेक्ट नहीं होगा। गाइस ग्रैनी ने मुझे मार दिया बहुत खतरनाक तरीके से, मैं फिर से यहीं पर आ चुका हूँ। अब मुझे यहाँ से बाहर निकलना दोबारा तेते भाग के। गाइस मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, अपना सामान मैंने लूट लिया, यहाँ पागल बुढ़िया यहीं घूम रही है, उसे पता है कि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ इसलिए वह यहीं घूमने पर रही है। इस चेयर में यहाँ पर सेफ्टी मिलती है हम लोगों को, देखो होगा यहाँ से हैंगर गिर जाते हैं, बार बार ग्रैनी आ जाती है। मैं वहाँ पर हूँ लेकिन यहाँ पर एक चेस्ट में खाली, दोनों चेस्टों खाली, बेकार बिल्कुल घटिया एकदम। गाइस मुझे यही गेट तोड़ना है, ये बिल्कुल जाल वाल लगा के रखे हैं अभी इसका। और भाई ये ग्रैनी, अरे 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 मार दिया। और भाई साहब इसके कपड़े धोने वाले बल्ले में इतनी ताकत, इतने विराट कोहली के बैट में नहीं होंगी जितनी इसमें ताकत है।
बस एक ही बार में सिर्फ हाफ आउट ऑफ विदर का वो मिल गया इफेक्ट, वेरी डेंजरस भाई। भाई साहब अब मैं आगे जाता हूँ, ये मुझे एक शीशा मिला है, अब इसका बाद में देखा जाएगा क्या काम है, कुछ तो कुछ काम होगा, या फिर वो बोट है वहाँ पर हम लोग तोड़ेंगे, लेकिन हमारी बोट आगे नहीं जा सकती इसलिए ये बात भी है, इसलिए हम वो यहाँ पार नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगली बार हम जरूर इसमें कहीं पर बोट भी छुपी है, लेकिन मैं अब की बार डोर एस्केप करूँगा। अगली बार अगर इस वीडियो पे 12 लाइकें आती हैं तो मैं अगली बार वो बोट एस्केप करूँगा पक्का 100% कन्फर्म। तो इस वीडियो पे एम है 12 लाइक के लिए, तो गाइस प्लीज़ कर देना। और यहाँ पर ऐसे बो को बो, अरे अब मैं गिरानी को मार सकता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे वहाँ ऊपर जो चीज़ है उससे मुझे वो करना होगा, वो क्या है वो टारगेट, हाँ टारगेट पे मारना होगा, फिर कुछ वो गेट खुलेगा या फिर कुछ हमारे नीचे के ओए के ब्लॉक हटेंगे, नहीं ऐसा कुछ ओए के ब्लॉक भी हट सकते हैं ग्रैनी के अंदर, कुछ एक्स्ट्रा दिमाग है वो कर भी सकती है, मतलब पागल बुड़ जाए एकदम। गाइस अब मैं इस पर मार के देखता हूँ टारगेट पर, देखना टारगेट के जो बीच आके लगेगा ये हाँ बिल्कुल वो वहाँ पर कुछ खुला, लेकिन मैं कैसे जाऊँगा, आयरन गेट है कैसे खुलेगा, अब कुछ मुझे बटन या लीवर की ज़रूरत होगी, और रास्ते में बुढ़िया का डर यार, यहाँ से कोई रास्ता पंपकिन लगाए हैं इसने, फटाफट से इसको नहीं कुछ नहीं यार, फटाफट से नीचे चला जाता हूँ, आ गया हूँ गाइस अब मैं नीचे, बुढ़िया यहीं घूम रही है मुझे मार भी सकती है, यहाँ पर एक बटन है यहाँ देख लेता हूँ कहीं है तो नहीं, यहाँ पर ये बेबी एलियन, ओ भाई स्पाइडर को ही बेबी एलियन बना डाल रहा, वाह ग्रैनी वाह। और ये वही टंकियाँ जहाँ पर हम लोग पहले आते थे वो पानी हटाते थे, लेकिन अब नहीं हटा नहीं सकते, ये देखिए कितना तगड़ा इंतजाम किया है उस पागल बुढ़िया ने उस स्पाइडर के लिए, इसको मैं रोज़ मारता हूँ। और फटाफट से ये गेट, अरे भैया गिलच मत कर यार, ऐसे गिलच मत कर ग्रैनी आ जाएगी, घुस घुस, अरे यार इतना गंदा गिलच मत कर यार, घुस जा, टॉयलेट का गेट भी पहले तो ये इसमें बटन है, हाँ अब की बार का टॉयलेट बहुत साफ है, पिछली बार तो पता नहीं बुढ़िया क्या करती थी, वो बुढ़ा गगन तंबाकू खा के इसमें थूकता था, कहता था बोलो जुबा केसरी। अब फटाफट से मैं यहाँ से चला जाता हूँ, यहाँ ऊपर आ गया हूँ, अब देखता हूँ ऊपर क्या है, अब यहाँ पर ये ग्रैनी बहुत खतरनाक है, और ये एक ही बैड में मार दे रही है ये पागल बुढ़िया, इसकी कुछ अलग ही पावर आ गई है उस कपड़े धोने वाले बैट से, उसे खोल के मैं अंदर जाता हूँ देखता हूँ, फ्लिंटन स्टील, लेकिन मैं इसका यूज़ अभी नहीं करूँगा, जब मैं इसे घर को तोड़ने वाला हूँ तभी करूँगा, 3 एरो, अच्छा अब मुझे समझ में आया इसका क्या यूज़ था, मुझे लग रहा था फालतू में जब वो नहीं मिलेगी तो एरो क्या सिर्फ एरो फेंक के मारेंगे या एरो भूकेंगे ग्रैनी के, इतनी देर में भूकेंगे वो इतने में कपड़े की तरह हमें धो देगी। अब यहाँ पर आ जाता हूँ मैं फटाफट से आगे, यहाँ पर कॉर्डन वॉर्डन रखे हुए हैं, नीचे अगर आई तो इसकी एक दूंगा, लेकिन अभी तो है नहीं यहाँ पर, तो फटाफट से आगे चला जाता हूँ ये, अरे आगे जाके जाके, अरे अरे विदर का इफेक्ट मिल गया, अरे यार हम विदर के इफेक्ट नहीं मरे हैं, अरे यार गिरबो खड़ी है पागल बुढ़िया, अब मुझे ऐसा लगता है मुझे कोई एंगल बना के यहाँ से जाना होगा, मतलब अब तो चेयरिंग सीन होने वाला है खतरनाक वाला, अब इसका मज़ा लेना आप, अगर मैं निकल जाऊँ तो वीडियो को लाइक कर देना, और यार निकलना होगा, पूरा एंगल बना लिया मैंने भागने का यहाँ से, अरे सिर्फ उड़िया लकड़ी से, अरे आगे आगे भागो छप्पा भागो, सीधे तीसरी मंजिल पे, ये हमें यहाँ पर पकड़ के रखती है, ये ग्राउंड फ्लोर होता है जहाँ पर ये पकड़ के रखती है हमें, वो इसका बेसमेंट है, अभी हम जहाँ पर थे ये ग्राउंड फ्लोर वो बेसमेंट था अभी हम जहाँ पर थे, और इससे पहले ग्राउंड फ्लोर जहाँ से हमें एस्केप करना है वो ग्राउंड फ्लोर है, पागल बुढ़िया ने दो बेसमेंट बनाए हैं, एक मैं अपने एलियन को रखती है और एक मैं हमको रखती है, हमको एलियन समझ लिया क्या, पागल वागल हैं। अब मैं नीचे चला जाता हूँ एकदम से पागल, अच्छा हुआ वो ग्रैनी वो अच्छा हुआ ग्रैंडपा नहीं है ना, तो दो विलन, ऐसा तो साउथ की फिल्म में ही हो सकता है। अब मैं यहाँ से भाग जाता हूँ,
अरे यार पीछे पड़ गई, फिर से चेजिंग सीन स्टार्ट हो गया यहाँ पर। मैं तेज तेज भागता हूँ यहाँ से, अब मैं सीधे फिर से छत पर ही जाके रुकूंगा सीधे। मेरे पास मेरा सामान भी खत्म हो गया यार, खत्म नहीं मतलब उसने मार दिया मेरे सारे लूट वहाँ पर गिर गए ग्रहणी की तरह, जहाँ हमारी गन वन सब वहाँ पर ही गिर जाता जो हम हाथ में पकड़े होते थे। गाइस अब मैं यहाँ से जाऊँगा चुपके चुपके आराम आराम से, बुढ़िया नहीं मिल गई हो, और मुझे सामान मिलते ही इसका बूम कर दूंगा यहाँ पर ही, तभी हाथ में चलते रह जाए। कि मैं सोच रहा हूँ जहाँ पर मैं करता हूँ इससे थोड़ी दूर पर, जब मैं TNT मांग लूँगा ये आ जाए, ये भी फट जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल हो सकता है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल यहाँ पर। अब मैं इसका अगर ब्लास्ट कर दूँगा, पहले आग ही लगा देता हूँ, जब इसके पिछवाड़े पर डंडे पड़ेंगे ये घर बर्बाद होगा इसका, तभी पता चलेगा लोन लेके या फिर डकैती डाल के इसने तो ये घर बनाया ही होगा। ये बुढ़िया अफ्रीका की लगती है, वेस्ट इंडीज की। गाइस अलग तरीके से मैंने एस्केप किया इसमें नीचे से, वाह। और आगे पूरा समंदर, ये बीच है, बुढ़िया घर ये देखिए, तो लोन लेके इतना बड़ा घर बनाया है। गाइस ये वाली वीडियो पसंद आए इसको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो पर एम 12 लाइक के, ये चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।